कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व के बारे में बताऊंगा। माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व प्रभु येसु के पवित्र हृदय के पर्व के बाद शनिवार को मनाया जाता है। संपूर्ण कलीसिया इस पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ, हर्ष के साथ मनाती है। यह माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व है, जहां पर माता मरियम ईश्वर के प्रति प्रेम और अपनी ममता जो प्रभु के प्रति उन्होंने दिखाई है, उसको यह दर्शाता है। साथ ही यह एक मानव जाति के प्रति जो सच्चा प्रेम है, जो करुणा है, जो दया है, उसको माता मरियम अपने निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रदर्शित करती है। निष्कलंक हृदय के पर्व के दिन हम विशेष रूप से मनन चिंतन करें माता मरियम के हृदय के ऊपर। लुकास अध्याय 2 पद संख्या 35 में सिमियोन माता मरियम से कहते हैं कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। इससे हमें जानकारी मिलती है कि माता मरियम का हृदय कितना दुख और पीड़ा में उस समय रहा होगा। वह इन शब्दों पर मनन चिंतन करती रही होगी कि किस प्रकार से उनके जीवन में इस प्रकार की बाधाएं आएगी। जब प्रभु येसु को सूली पर लटकाया जाता है, उस समय माता मरियम जरूर इन शब्दों को याद करती है और वह समझ जाती है कि उन्हें किन किन दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जब हम माता मरियम का हृदय का चित्र देखते हैं, तो हम पाते हैं कि माता मरियम के हृदय के ऊपर एक जलती हुई ज्वाला है और पूरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। उस हृदय को गुलाब के फूलों से सजाया हुआ है। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सिमियोन ने कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, उसी का चित्र हमें वहां पर दिखाई देता है। आज माँ मरियम हम सभी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती हैं कि हम प्रभु के पास जाए। शुरुआती दौर में यह पर्व विशेष रूप से प्रभु येसु के 7 घावों एवं माता मरियम के 7 शब्दों पर निर्भर था और धीरे धीरे प्रारंभिक कलीसिया में इन पर्वों को मनाने जाने लगा। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व बहुत सी ही उत्सुकता के साथ मनाएं और प्रभु के प्रेम को पहचाने हमारे जीवन में, जिससे माता मरियम निरंतर हम लोगों के लिए प्रार्थना करती रहे कि हम सभी प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े और माता मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहे।